नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैदिक परम ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोमस ऋषि के बारे में। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। उनके शरीर पर काफ़ी बड़े बड़े और घने बाल थे, जिसके कारण इनका नाम लोमस पड़ा। सप्त चिरंजीवों के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे अमर हैं। लोमस ऋषि उनमें से एक हैं। अमरता का अर्थ यहाँ चिरंजीवी होना नहीं, बल्कि उनकी अत्यधिक लंबी आयु से है। लोमस ऋषि ने ही युधिष्ठिर को ज्ञान की गूढ़ बातें बताई थी, जिससे वे ये योग्य राजा बन सके थे। एक बार लोमस ऋषि भगवत कथा कर रहे थे, तो उसी भीड़ में बैठा एक व्यक्ति उन्हें बार बार टोक रहा था और उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहा था। इससे वे क्रोधित हो गए और लोमस ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तू कौवे की भांति क्या काँव काँव कर रहा है? जा, तू अगले जन्म में कौवा ही बन जा। उनके इस वचन के कारण उस व्यक्ति को श्राप लग गया, किंतु उसने विनम्रता से स्वीकार कर लिया। बाद में लोमस ऋषि को अपने इस व्यवहार पर बड़ा खेद हुआ और फिर उन्होंने उस व्यक्ति की विनम्रता को देखकर उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वो कौवा बनेगा, लेकिन वो इतना पवित्र होगा कि जहाँ भी रहेगा वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋषि के श्राप के कारण वो व्यक्ति अगले जन्म में महान काकभुशुंडी के रूप में जन्म लिया। इनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। इन्हीं काकभुशुंडी के द्वारा रामायण की कथा गरुड़ जी को सुनाई गई, जिससे उनकी अज्ञानता दूर हुई थी। इनके अमर होने के बारे में भी एक कथा है, जिसमें बचपन में लोमस मुनि को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने उनसे अमरता का वरदान मांगा। इस पर भगवान शंकर ने कहा कि यह असंभव है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और यहाँ सारी चीज़ें नश्वर हैं। तब उन्होंने चतुरतापूर्वक भगवान शंकर से यह वरदान मांगा कि हर कल्प के अंत में मेरा एक रोम झड़ जाए, ताकि इस तरीके से वह एक लंबे समय तक जीवित रह सकें। भगवान शंकर उनकी चतुरता देखकर मुस्कुराते हुए यम मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में जब वह जीते जीते बहुत थक गए, तब उन्होंने मृत्यु की कामना की, परंतु क्योंकि महादेव के वरदान के कारण उनके रोमों की संख्या अत्यधिक थी और वो हर एक कल्प के अंत में झड़ रहे थे, उनकी मृत्यु लगभग असंभव सी प्रतीत हो रही थी। अपनी इस वेदना को ऋषि लोमस ने श्री राम के पिता महाराज दशरथ को कहा। एक बार जब वे अयोध्या पहुंचे और देखा कि महाराज दशरथ अपने किले की मरम्मत करा रहे हैं, तब उन्होंने दशरथ से पूछा, हे राजन, इतनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? क्या तुम भी चिरकाल तक जीना चाहते हो? अरे, अधिक से अधिक तुम कई हजार साल जी लोगे, लेकिन देखो, यहाँ तो मैं मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकता। तब उन्होंने दशरथ को महादेव द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया और कहा, हे राजन, अगर कोई मुझसे मेरे समस्त पुण्य और आयु लेकर मुझे मृत्यु दे दे तो वह मुझे स्वीकार है, परंतु ऐसा करने वाला शायद ही कोई संसार में होगा। अतः ऐसा माना जाता है कि लोमस ऋषि अभी भी जीवित हैं। बिहार में गया के पास जहानाबाद में लोमस ऋषि की मानव निर्मित गुफा भी है, जिसका निर्माण मौर्य काल में अशोक के शासन काल में बनवाया गया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी लोमस ऋषि का एक मंदिर स्थित है।